तो दोस्तों क्या हालचाल, सबसे पहले ये बताओ कि आपके यहाँ गर्मी के क्या हाल चल रहे हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। अब ये वीडियो बनेगी 15,000 के नीचे आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो की 15,000 के नीचे टोटली वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटरी बैकअप वगैरह देखने को मिलता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधा बढ़ते हमारे सबसे पहले स्मार्टफोन की तरफ। तो सबसे पहले स्मार्टफोन की दोस्तों यहां पर बात करें तो वो Redmi की तरफ से Redmi Note 11 4G। तो यहां पर आपको इस फोन में 6.43 इंच का एक सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले मुझे काफी बढ़िया लगा। और यहां पर परफॉर्मेंस की बात करें तो Snapdragon का 680 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 6nm का प्रोसेसर है, काफी बैटरी परसेंट है और पावरफुल भी है। और आपको यहां पर इसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज भी दी गई है। और यहां पर आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, तो आप 1TB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं इस फोन में, अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है। और दोस्तों यहां पर कैमरा की बात करें तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी लवर्स के लिए 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और सेल्फी लवर्स यहां पर वीडियो शूट करना चाहे तो 1080p 30fps में वो भी शूट कर सकते हैं। अब यहां पर 60fps होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। और बात करें यहां पर दोस्तों बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी और 33 वॉट का यहां पर आपको चार्जर मिलता है। तो हां, आपको बैकअप अच्छा मिलता है इस फोन में और चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया दी गई है। और बाकी जैसे दोस्तों यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, ड्यूल स्पीकर दिए गए, 3.5mm का जैक मिलता है आपको, और यहां पर आपको एंड्रॉइड 11 और MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। यहां पर एंड्रॉइड 12 होना चाहिए था, लेकिन आपको अपडेट के थ्रू मिल जाएगा। और इसके प्राइस की बात करें दोस्तों तो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत है 14,000 रुपीस। दोस्तों दूसरे फोन की बात करें तो वो है Motorola की तरफ से G51 स्मार्टफोन। इसमें आपको 6.8 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक IPS डिस्प्ले, यहां पर AMOLED नहीं है, लेकिन आपको यहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ में 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। और इस फोन में आपको Snapdragon का 480 प्लस प्रोसेसर मिलता है। अब ये एक 5G प्रोसेसर है और ये 4 सीरीज का प्रोसेसर है, समझ के इसको हल्के में मत लेना। ये प्रोसेसर काफी ज्यादा कैपेबल है, 6nm का प्रोसेसर है, काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है। और 5G की बात हो ही रही है तो यहां पर आपको 12 5G के बैंड्स मिलते हैं। तो अगर आप 15,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको फ्यूचर में 5G जब आ जाएगा, 5G नेटवर्क जब आ जाएगा, तो आपको नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यहां पर दोस्तों कैमरा की बात करें तो आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, और दोनों कैमरा से आप 1080p 30fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैटरी चार्जिंग की बात करें तो 5000mAh की बैटरी और 20 वॉट का चार्जर मिलता है इसमें आपको। और अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत यहां पर भी पड़ती है तो आप 512GB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। और यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया, 3.5mm का जैक गड्ढा यहां पर भी मिलता है, और एंड्रॉइड 11 आपको इसमें देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। और यहां पर हम बात करें इस फोन के प्राइस की, मतलब रोकड़ा कितना देना पड़ता है, तो इसकी भी सेम कीमत है 14,000 रुपीज। इसके बाद दोस्तों तीसरे फोन की बात करें तो वो Realme की तरफ से Realme 9 आए, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहां पर आपको 6.6 इंचेस का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, और यहां पर आपको एडाप्टिव रिफ्रेश रेट दिया है, मतलब 30 हर्ट्ज से लेकर 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट स्विच होता है आपके यूज के अकॉर्डिंग। तो ये काफी अच्छी बात है इस कम प्राइस में। और यहां पर आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो आपको धूप में इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहां पर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों यहां पर भी आपको Snapdragon का 680 प्रोसेसर मिलता है, काफी ज्यादा कैपेबल है, और LPDDR4X रैम, UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है आपको यहां पर। आप यहां पर भी 1TB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। और दोस्तों कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी लवर्स के लिए सेल्फी कैमरा दिया गया। दोनों कैमरा से आप 1080p 30fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी और 33 वॉट का चार्जर मिलता है, तो बैकअप अच्छा
मिलेगा आपको यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी काफी बढ़िया मिलती है। और बाकी जैसे यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, एंड्रॉइड 11 और रियलमी यूआई 2.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, आपको फ्यूचर में एंड्रॉइड 12 और रियलमी यूआई 3.0 का अपडेट भी मिलेगा। और यहाँ पर इसके प्राइस की बात करें तो 4GB प्लस 64GB वेरियंट की कीमत है 13,000 रुपीज। लेकिन अगर आपको ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा रैम की जरूरत है, यानी 6GB प्लस 128GB वेरियंट के लिए आप जाते हैं, तो उसकी कीमत है 16,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कार्ड वार्ड लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको खरीदेंगे तो 2,000 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, तो इससे इसकी प्राइस 14,000 रुपीज बन जाती है। तो ये काफी बढ़िया ऑफर है। फिर इसके बाद हमारे लिस्ट पे 4 नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है वो है पोको की तरफ से पोको M4 Pro। तो ये एक 5G फोन है। यहाँ पर आपको 6.6 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 6nm का प्रोसेसर है, काफी ज्यादा पावरफुल है, आप इसको गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसके परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर आपको LPDDR4X RAM और UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज दी गई है, और यहाँ पर भी आप 1TB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। और दोस्तों कैमरा की बात करें तो 50MP प्लस 8MP ऐसा ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है रियर में, जहां पर आप 1080p 60fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात लगी, ये लिस्ट का पहला स्मार्टफोन होगा जो 60fps में रिकॉर्डिंग आपको अलाउ कर रहा है। इसके बाद 16MP का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बैटरी और 33W का यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाता है। तो हाँ, यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी आपको नो डाउट काफी बढ़िया मिलती है। और इस फोन में भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, ये एक 5G फोन है, तो यहाँ पर आपको 13 5G के बैंड्स मिलते हैं, तो ये भी काफी अच्छा फोन है 5G के लिए। अगर आप 15,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं, ये भी काफी बढ़िया बात है, 3.5mm का गड्ढा मिल जाता है, मतलब 3.5mm का जैक मिल जाता है। और यहाँ पर आपको MIUI 12.5 और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और इसकी कीमत की बात करें तो 4GB प्लस 64GB वेरियंट की कीमत है 14,000 रुपीज, तो आपको इतना रोकड़ा देना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे लिस्ट का जो लास्ट स्मार्टफोन है वो है IQOO Z6। ये स्मार्टफोन भी काफी बढ़िया है, इसमें आपको 6.58 इंच का एक FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया है। और यहां पर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 6nm का प्रोसेसर है, जिसका अंततः स्कोर 400,000 से भी ज्यादा आता है, तो नो डाउट काफी ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है। और इसकी परफॉर्मेंस और इंक्रीज करने के लिए LPDDR4X RAM, UFS 2.1 की फास्ट स्टोरेज दी गई है, और आप इसमें भी मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हैं, 1TB तक आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। और यहां पर आपको 50MP प्लस 2MP प्लस 2MP ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और यहां पर आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और आप दोनों कैमरा से 1080p 30fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखो इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, ये गेमिंग को ज्यादा टारगेट करता है, और इसमें 5G है, लेकिन दो ही 5G के बैंड्स आते हैं, तो 5G के लिए भी इसको कंसीडर मत करना। अगर आप गेमिंग करते हो, आपको एक 15,000 के नीचे नॉर्मल यूज के लिए फोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, 18W का चार्जर मिलता है, 3.5mm का जैक मिलता है, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 5-layer लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की गई है, तो ये काफी अच्छी बात है। और यहां पर आपको फ्रंट टच OS 12 और आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, ये भी काफी अच्छी बात है। हमारे लिस्ट का ये इकलौता स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। और इसके प्राइस की बात करें तो 4GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 15,500 रुपए। तो ये कुछ 5 स्मार्टफोन थे जो कि 15,000 के नीचे मुझे सबसे बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लगे, जिनको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इनमें से कोई भी स्मार्टफोन आप खरीदते तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।